आज हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से करें जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हो, क्योंकि हम सभी पढ़ाई इसी उद्देश्य से करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ताकि अच्छी लाइफस्टाइल हो सके, फैमिली को खुश रख सकें। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में या इन फ्यूचर पॉलिटेक्निक के किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा पैसा है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कैसे बीटेक से ज़्यादा पॉलिटेक्निक करके एक स्टूडेंट साल के 6 से 7 लाख कमा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप सभी को मैं बता दूं, या जितने भी कोर्स अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें से कोई भी कोर्स आप फोर्सफुली नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें पूरी लाइफ सेट करनी होगी। इसलिए जितने भी कोर्स बताने वाला हूँ उसमें से जो आपको अच्छा लगता हो उसे ही चुनिएगा। नंबर 1 पे आता है डाटा साइंस। अगर आप इस ब्रांच से अपनी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादातर चीज़ें सब डिजिटलाइज होने वाली है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यह कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 पे सिविल इंजीनियरिंग। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कभी भी जॉब की कमी नहीं होने वाली है। बात करें पैसों की तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है, व्हाइट मनी भी और ब्लैक मनी दोनों। बात करें यह कोर्स का फ्यूचर में क्या डिमांड रहेगा, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाला है, क्योंकि अभी जो घर, सड़क, ब्रिज बनाए जा रहे हैं उसमें से सभी के सभी ज़्यादातर मॉडर्न टेक्निक के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अगर आपको यह कोर्स करना ज़्यादा पसंद है तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। नंबर 3 माइनिंग इंजीनियरिंग। यह भी सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन जैसे वर्क किए जाते हैं। अगर आपको यह सब करना पसंद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग बात करें स्कोप की तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, और फ्यूचर में स्कोप बढ़ेगा ना कि घटेगा। नंबर 4 पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको कार या इंजन जैसे चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसमें पैसा बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत ही ज़्यादा पैसा है। बात करें फ्यूचर में स्कोप इसका कैसा रहेगा, तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला भी है फ्यूचर में। अब बात करते हैं रंजन जी का, जो पॉलिटेक्निक करके अभी साल के 6 लाख के आसपास कमा रहे हैं। इनका स्टोरी यह है कि इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इनको 6 लाख का सैलरी तक पहुँचने में 3 साल लगे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, पॉलिटेक्निक, बीटेक या सभी ऐसे टेक्निकल कोर्स हैं, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। जब तक आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब जाकर आपको बम्पर पैसे दिए जाते हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।